बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। मैं बना रही हूँ दाल माश। दाल माश सभी बनाते होंगे, हर सबको ही बनानी आती है। आज मैं बनाती हूँ, जैसे मैं बनाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ दाल माश। बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 2 प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, मैंने कट कर लिए थे। अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट है। ये कुछ 10 मिर्चें साबुत गोल ली थी मैंने। ये मैंने गार्निश के लिए अदरक लिया था, मैंने कट कर लिया था। 1 चम्मच गरम मसाला, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 4 साबुत मिर्चें, 4 से 6, 5 6 मिर्चें कट करके हैं। बनाना स्टार्ट करती हूँ। 1/2 किलो मैंने दाल माश ली थी, बनाना मैं स्टार्ट करती हूँ। ऑयल मैंने डाल दिया था कुकर में, एक प्याली मैंने ऑयल के लिए। ये मैंने 1 चम्मच जीरा लिया, ये डालूँगी पहले। और ये मैंने तेज़ पत्ता लिया, ये डालती हूँ। प्याज जैसे वो इसमें ऐड करूंगी। प्याज मैंने डाल दिए इसमें, प्याज को मैं अच्छे तरीके से फ्राई करूंगी जब तक मेरे गोल्डन प्याज होते हैं। मैं इसे फ्राई करती हूँ। प्याज मेरे ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का, जो मैंने 1 चम्मच अदरक लिया था, 1 चम्मच लहसुन उसका पेस्ट ऐड कर रही हूँ। तो मैं थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी अच्छे तरीके से। प्याज मेरे पहले से ही मैंने ब्राउन कर लिया था, मैंने अदरक लहसुन डाला। ये देखिए अच्छे तरीके से इसे मैं फ्राई कर लेती हूँ, लहसुन और अदरक के पेस्ट को। अब मैं इसके अंदर डालूँगी टमाटर। डाल दो टमाटर, दिखाएं। टमाटर मैंने डाल दिए हैं, ये देखें। मेरे पास कमेंट आया था कि दाल माश बनाकर दिखाएं, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ दाल माश की रेसिपी शेयर करती हूँ। दाल माश सभी को आती होगी पकानी, सब बनाते होंगे अपने किचन में, पर जैसे मैं बनाती हूँ, मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब मैं इसके अंदर डालूँगी खुश्क मसाले। 1/2 चम्मच मैंने काली मिर्च का लिया था, ये ऐड कर दूँगी इसके अंदर। एक चम्मच मैंने भर के लिया सूख मिर्च कुटी हुई। एक चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के सूखे धनिया का, 1 मसाले मैंने डाल लिए। मैं अब इसे अच्छे तरीके से भूनूंगी मसाले को। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, मसाले को मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी इसे। आपने भी ऐसे ही बनानी, बहुत ही जल्दी बन जाती है दाल माश और बहुत ही मज़े की बनती है। अच्छे तरीके से आपने ऐसे मसाले को भून लेना है 5 मिनट तक। जब आपको लगे देखिए टमाटर मैश हो गए हैं, मसाले में गल गए हैं, ये अच्छे तरीके से आपने मसाला भून लेना है 5 मिनट तक। ये देखिए मेरा मसाला भून रहा है, ये देखिए टमाटर भी अब मसाले में मैश हो गए हैं। माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आधा चम्मच मैंने खुश्क मेथी का लिया है, सूखी हुई मेथी। 1/2 चम्मच मैं ये डालूंगी खुशबू के लिए। आप चाहें तो ना डालें, आप ऑप्शन है, मैं डालती हूँ, अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, खुशबू आ जाती है माश दाल में। ये देखें अच्छे तरीके से मेरा मसाला भून गया है। जो मैंने सब्ज मिर्चें कुछ साबुत ली थी, 4 से 5 कुछ कटी हुई, ये डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। अच्छे तरीके से मैंने इसे चला लेना है मसाले को, 5 मिनट मज़ीद और भूनूंगी। ये देखें मेरे टमाटर बिल्कुल हल हो गए हैं, इसमें मसाले में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। ये जो मैंने गोल मिर्च ली थी सुर्ख, ये मैं डाल रही हूँ साबुत।
आठ से दस ली थी मैंने इसमें। मसाला मेरा भून गया, अब मैं इसके अंदर दाल ऐड करती हूँ। अब मैं दाल माश, ये देखिए मैंने दाल मैश माश इसमें ऐड कर दिया, डाल दिया मैंने, ये देखिए मसाले में। बस इसमें अब हल्का सा पानी डालकर तो मैं पाँच तीन मिनट के लिए, चार मिनट के लिए कुकर बंद करूंगी। दाल माश हमारी तैयार हो जाएगी। पानी मैंने डाल लिया, मैंने ये एक बड़ा कप पानी का डाला था, आधा किलो मेरी दाल थी। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितने आपको ठीक लगे। अब मैं चार तीन से चार मिनट के लिए कुकर को करूंगी बंद, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कुकर मैंने बंद कर दिया तीन से चार मिनट के लिए, जब तक सीटी बोलती है, फिर मैं खोल के फिर आपको दिखाती हूँ जैसे मेरी दाल गलती है। ये देखें ये मैंने कुकर चार मिनट लगाया था, मैंने खोल लिया। ये देखिए अब मैं इसकी करूँगी बुनाई, दाल मेरी बिल्कुल गल गई है। अब मैं इसकी करूँगी भुनाई, पाँच मिनट तक भुनाई करूँगी मैं इसकी अच्छे तरीके से। दाल हमारी ऑयल को छोड़ रही है, ये देखिए इतनी अच्छी दाल बनी है मेरी। ये देखिए इस तरीके से आपने पाँच मिनट तक आपने भुनाई करनी है इसकी। दाल मेरी गली हुई थी पहले से, ये देखें दाल मेरी बिल्कुल गल चुकी है। ये देखें मैं पाँच मिनट तक मज़ीद इसकी भुनाई करूँगी ताकि अच्छे तरीके से ये भून जाए। ये देखें ये मैंने भुनाई कर ली है इसकी पाँच मिनट तक कुकर खोल के। ये देखें दाल माश मेरी कितनी मज़ेदार सी बन के रेडी है, इतनी माशाल्लाह अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें कितनी प्यारी मेरी दाल माश बन के रेडी है, आपने भी ऐसे ही बनानी है। अब मैं इसका इसको डिश आउट करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें अब मैं ये देखें मेरी दाल माश बन के रेडी है। मैं इसके ऊपर गिरूँगी गर्म मसाला, ये कुछ मैंने अदरक के ऐसे अदरक को कट कर लिया था गार्निश के लिए, ये मैं डाल रही हूँ। ये देखें मेरी मज़े से माश दाल बन के रेडी है। आप सब लोगों को कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताना। बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही जल्दी बन के कम टाइम में तैयार हो जाती है। दाल माश सभी बनाते होंगे अपने घर में, ये मेरे तरीके से मैंने बनाई है। आप लोग मुझे लाजमी बताना कमेंट करके कि ये कैसी बनी है, और मेरे चैनल को करना लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाजमी क्या करें, कमेंट करके मुझे लाजमी बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी दाल माश बन के रेडी हुई है, और बिल्कुल ये गल गई है। चार तीन से चार मिनट मैंने कुकर लगाया था, ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू भी आ रही है। और इसी वीडियो के साथ लेती हूँ मैं इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।